नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। सब आ गए हैं ना? यस सर, सब आ गए हैं सर। यहीं पे रहना। ओके सर। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। बेटी, बेटी। सॉरी अंकल। सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं बेटी, चलो। सीनू आने वाला था। क्यों, आज सभी को बताने वाली हो क्या? कम, आज तुम्हारे माँ पिताजी होते तो बचपन से उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू अंकल। सर एक्सक्यूज मी सर, इंडस्ट्रियलिस्ट मूर्ति जी आए हैं सर। आ रहा हूँ, बोलो। ओके सर। तुम भी आओ बेटी। सीनो आता तो अच्छा होता। प्यार, हर फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है, पर ये कहानी इस लड़की से शुरू हुई है। इस घर के अंदर सभी इस लड़की का इंतजार कर रहे हैं, पर ये लड़की सीनो का इंतजार कर रही है। ये है सीनो। लड़कियां लड़कों को चूज करने के मामले में कितनी कमजोर होती हैं, ये है इसका बेस्ट एग्जांपल। कोई हाई क्लास की लड़की अगर ऐसे चेहरे पर मर मिटे तो उसका कारण है प्रेम। इसके यहाँ बैठने की वजह है इसका दोस्त रवि। कभी बैंक के डेबिट कार्ड की तरह चमकता था रवि, पर अभी बाउंस हुए चेक की तरह दिखता है, जिसकी वजह एक दूसरा आदमी है। वो ये है जिसका नाम है बुज्जी। इसे स्पेशली इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये कोई शाहरुख खान नहीं है। इस कहानी में ये एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तीनों दोस्त जो साथ में रहते थे अभी अलग क्यों हैं, ये जानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। What amazing, what amazing.
बुजी कितना टाइम लगेगा? ट्रैफिक जाम हो गया यार। नहीं शैम्पू यार। या मैन टेक इट। टॉवल दे यार। ये ले बुजी पकड़। लगता है टॉवल पे परफ्यूम डाला है। वाह वाह। अंदर भी देता है बे। अगर एक सिगरेट भी अपने पास होती है ना, ऐसा लगता है करोड़ों हैं। सचिन के बिना क्रिकेट और एंजॉयमेंट के बिना लाइफ बिल्कुल वेस्ट है यार। हाँ यार, हर कोई कहता है मेहनत करके आगे बढ़ो, पर कोई कहता है कि एंजॉय करके आगे बढ़ो? ए डिसिप्लिन डेडिकेशन लेके बैठेंगे ना तो लाइफ यही खत्म हो जाएगी। अरे सॉरी यार, तेरी जगह इसे दे दिया। कोई नहीं भाई, पहले मैं भी यही बैठ कर सिगरेट पीता था, समय बीत गया, आज यहाँ बैठा हूँ। हाँ देख यार, हाँ? ये लड़कियाँ क्या सुंदर लग रही है। ये सब टेलर के हाथ का कमाल है, उन्हें लड़कियों के बारे में सब पता रहता है, उसी हिसाब से कपड़े सिल देते हैं। देख आ रहे हैं दोनों बाप बेटे। आ गए। इसके बाप को देखकर मुझे अपने बाप की याद आ गई। सिकंदराबाद वाली बस चली गई क्या बेटा? अभी नहीं, आने वाली है। थैंक यू बेटा, इन्हें देख के कुछ सीखो तुम। कभी टाइम पर नहीं आते हो, बटन लगाओ अपनी। तेरा बाप तो बिल्कुल हिटलर की तरह है बे। शर्मा जी, बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। नहीं, उनसे बात हो गई थी, वो एक घंटे में आएंगे। ये फादर लोग ऐसे ही होते हैं, उसको देख के सीखो, इसको देख के सीखो, लेकिन कहते हैं कभी कि मेरे को देखकर सीखो। क्योंकि उनके पास सीखने लायक कुछ नहीं होता। ओके फाइन, ठीक है। वैसे तुम सब किस कंपनी में काम करते हो? बदमाश कंपनी। और काम क्या करते हो? खाना पीना और सोना। सर आपकी बस आ गई। चलो जल्दी करो, आओ। ठीक है भैया। ठीक है मेरे भाई, फिर से मिलें। जा भाई, जा जा। One second। Thanks भैया। क्यूबे कबाड़ी के बच्चे कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। भंगार और रद्दी के पेपर खरीदता हूँ, इसका मतलब कबाड़ी मत समझना। इसमें तुम्हारी जरूरत की नौकरी है, पहले अप्लाई करो। हाँ तो तू ही नौकरी करके कबाड़ी का काम छोड़ना। अब ये दिन आ गए कि कबाड़ी वाला हमें सलाह देने लगा। अरे पैसे गिर के उठा लो। सॉरी, झुक के उठाने का टाइम नहीं है। चीयर्स। क्यों बे, तुझे तो पीने की आदत है नहीं। हाँ। तो जाके सोडा लेके आना। ए तू पीता वीता तो है नहीं। हाँ। चल जाके ऑमलेट लेके आ। ये ले। ए तुझे पीने की आदत नहीं है ना, तो जाके खाना बनाना रे जा। दारू दे। हाँ? वेटर बनने से तो अच्छा है कि मैं बेवड़ा बन जाऊं। ए दारू पीने वाले को नहीं पीने वालों से नफरत है क्या? दारू देना यार। अरे पुच्ची, तू तो बड़ा हो गया। अरे भाई पी। बहुत दिनों के बाद मुझे दिल खोल के बात करने का मन कर रहा है। अरे लगता है इसको एक पैक में ही चढ़ गई। अरे मुझी, दिल की बात बोलने का, दिल खोल के बोलने का, बोल डाल। ए, जो नया नया पीना स्टार्ट करता है ना, वो दिल खोल के बात करता है। ए मुझी, तुझे क्या खोल के बात करना है? बनियान खोल के बात करना है। ये देख 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 देखना। इसमें क्या देखने का, ये निशान तो हम लोग डेली देखते हैं। ये निशान नहीं, मेरी किस्मत है। मैं बचपन में जब झूले में झूल रहा था, तब मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम चार औरतें मुझे देख रही थी। घर में डॉक्टर पैदा हुआ है, लॉयर पैदा हुआ है कह रही थी। किसी ने भी मेरे पिता को नहीं कहा कि बेटा पैदा हुआ है। अरे डॉक्टर लॉयर चाहिए था तो डायरेक्टली उन्हें ही गोद ले लेना चाहिए था, मेरी क्यों वाट लगा रही थी? है? इसे जल्दी प्ले स्कूल में डालना पड़ेगा। उस दिन से स्कूल बैग उठा उठा के मैंने ये फिक्स कर लिया था कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं गधे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ और फिक्स किया था। ए, देख फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ, सेवेंथ के बाद टेंथ, टेंथ के बाद वो तुझे खुद ढूंढते हुए आएंगे और डायरेक्टली इंजीनियरिंग की सीट दे देंगे। अगर तू ऐसे ही पढ़ेगा ना बेटा, पूरी दुनिया तुझे बुज्जी द ग्रेट कहेगी। हाँ बुज्जी, मेरे बाप से ज्यादा तेरा बाप बेटर है। मेरा बाप। लेट्स शो योर टैलेंट टू ऑल ऑफ देम। व्हाट रवि,
टेल इंग्लिश पोएम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो। इंग्लिश पोएम बोला बेटा? डैडी मुझे इंग्लिश पोएम नहीं आती। हिंदी की हवा न लगे इसलिए इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से सीखा तुमने ये? लाखों रुपए लगा के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तू मछली जल की रानी जीवन उसका पानी सुना रहा है। खोल कपड़े, खोल अपने। आज इन सबके सामने वादा कर, कभी हिंदी चैनल्स नहीं देखूंगा। कभी भी हिंदी चैनल्स नहीं देखूंगा। हिंदी पोएम्स नहीं बोलूंगा। हिंदी पोएम्स नहीं बोलूंगा। इंग्लिश के अलावा हिंदी में बात नहीं करूंगा। इंग्लिश के अलावा हिंदी में बात नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि मेरे साथ सबके सामने कई बार किया। आई हेट माय फादर। इंग्लिश जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। जिंदगी इंग्लिश नहीं बन जानी चाहिए यार। फादर्स डे हट, इसकी तो मैं ये हेट डे, लवर्स डे की तरह फादर्स हेट डे पूरी दुनिया को मनाना चाहिए। ए, तू भी इतना रिया कर रहा है, कहीं तेरा भी तो। ये क्या है बेटा? एग्जाम की मार्कशीट, सभी में मेरा फर्स्ट रैंक आया है। हमारे खानदान में तू ही अकेला पढ़ा लिखा है। इस कागज पे क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता। तू पास हुआ है या फेल ये बता। पास होकर ए ग्रेड लाया हूँ पापा। ए ग्रेड मिला? वो बगल वाले घर के बच्चे को कौन सा ग्रेड मिला? उसे बी ग्रेड मिला। ए बी ए बी सी। है रुक, ए से पढ़ा होता है बी, मतलब उसके नंबर तुझसे ज्यादा है। तो अगर तू इस बार उससे ज्यादा सी ग्रेड नहीं लेकर आया ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सी ग्रेड लाना तू, सी ग्रेड, सी ग्रेड, बी भी नहीं सी ग्रेड। जिन माँ बाप के पास बच्चे हैं उन्हें बच्चों की अहमियत क्या पता चलेगी। बच्चे जिनके पास नहीं होते ना उन्हें पता होता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम एक क्लैरिटी के साथ पैदा होते हैं, पर हमारे पेरेंट्स के कंफ्यूजन के कारण हमारे पास कुछ क्लैरिटी नहीं बचती। हाँ यार, कौन से स्कूल जाना चाहिए, कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, सब वही डिसाइड करते हैं। आखिर में ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी लड़की से शादी करनी चाहिए। आज तक हम सिर्फ उनकी मर्जी के साथ जीते आए, हमारी मर्जी क्या है कोई जानता है क्या? इसलिए तो यार हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं और जिएंगे। नो रूल्स नो पेरेंट्स। वी आर फ्री पीपल। महंगी महंगी क्रीम लगाकर मुझे अपने प्यार में पागल बना दिया और अब पाउडर भी लगा रहा है। हे भगवान, लगता है आज मुझे आई लव यू कह ही देगा। मुझे तो शर्म आ रही है। मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी मेरे प्यार में दीवाना हो जाएगा। ए संगीता। हाँ आ रही हूँ रवि। क्या कर रहे हो? हाँ आ रही हूँ मम्मी। हाँ मम्मी। कपड़े धूप में डाल के आ। ओके। हेलो। क्या हुआ बे? पता नहीं बे, सिग्नल नहीं मिल रहा। शायद सेल का टावर गिर गया होगा जो सिग्नल नहीं मिल रहा है। ए, वो लड़की टावर की तरह है और तू सिम कार्ड की तरह है। टावर जब सिग्नल दे रहा हो तो सिम कार्ड को ले लेना चाहिए सिग्नल। यहाँ पे सिम कौन है, टावर कौन है? वो देखो टावर, ये देखो सिम। ए, चुप। अरे रवि, भूख लग रही है बोल रहा था ना। ए, मैंने ऐसा कब बोला? हाँ। अरे मेरी रवि को भूख लगी है बेचारा। रवि। अरे भाई ये तो जाल में फंस गई। और बाप रे, खाना भी लेके आई है। हाँ? देखो तुम बाहर मत खाया करो, तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी ना। घी थोड़ा सा ही है तो वो सिर्फ तुम ही खाना। हा? क्यों, मुझे तुम्हारे जैसा थोड़ी बनना है। तुम भी ना बहुत अच्छा जोक मारते हो। अरे बाप रे। अरे भाई, इसने तो तुझे अपने प्यार में तूफान की तरह लपेट लिया है। रब ने बना दी जोड़ी बाबा। छी, गंदा कहीं का। ए, खाने के लिए उस भैंस के पास मुझे बुक कर दिया तुम्हारी तो। ए, कौन कुत्ता बार बार फोन कर रहा है? मेरा बाप है बे,
पापा। अरे बुज्जी कैसा है? आप साथ नहीं है तो अच्छा ही हूँ। अरे इतनी देर से बोल रहा हूँ, तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बोल। अच्छा ही हूँ पापा। मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड राव से मिलने के लिए कहा था। मिले क्या? उसी काम में लगा हुआ पापा। उससे मिलना तो बता देना कि तुम मेरे बेटे हो, जॉब करेगा। और टाइम पे खाना, टाइम मत खाना, समझ गया ना? हाँ ठीक है, फोन रखता हूँ, ध्यान रखना अपना। बचपन में मेरा टाइम खराब करके वैल्यू की बात करते हैं, ऐसे टॉर्चर करता है, इसलिए मैं तो मोबाइल ही नहीं रखता। हाँ यार, वैसे तेरे बाप ने जो तुझसे चार बातें की उसमें से तीन बातें तो यही थी, यहाँ सावधानी रखना, वहाँ सावधानी रखना। तुझे लेके बहुत केयरिंग है। घंटा वो केयरिंग नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग है। बीज को डाला, पेड़ को बड़ा किया और अब फल कटने का इंतजार। अरे यार, हेलो रवि। हाँ डैड, मैं पासपोर्ट ऑफिस में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। बात वो नहीं है, हमारे बिजनेस में। अरे डैड, आप हमेशा बिजनेस की बात करते हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, सही मैनेज किया अपने बाप को। हाँ यार, टाइम हो रहा है यार, अब क्या करें? हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। सर, अरे क्या हुआ? क्यों ऐसे मछली की तरह तड़प रहा है? सर, इसका पेट दर्द हो रहा है सर। एम्बुलेंस के लिए फोन करो। अरे सर, फोन करने से पहले ये मर जाएगा सर। कैसे होगा, वहाँ एसपी मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। सर, ये अर्थी पे चढ़ेगा या आपकी जीप में चढ़ेगा, अभी आपके मजबूत हाथों में है सर। हाँ सर, टेंशन हो रहा है सर। चलिए सर, प्लीज दुविधा में डाल दिया। बैठो 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 बैठो, चला। सर थोड़ा एसी ऑन करो ना। यूं बे, व्यापार एसी तक पहुंच गया। सर जरा गाना लगाओ ना सर। गाना? हाँ, उसे कुछ हो गया ना तो उसका गाना निकल जाएगा। सर थोड़ा टेंशन हो रहा है, एक सिगरेट दीजिए। क्यों रे, मरने वाले हो पर चर्बी नहीं गई तेरी। अरे सर, उसने कोई पहाड़ या समंदर थोड़ी मांगा है, एक सिगरेट ही तो मांगा है, दे दीजिए ना सर। क्या बोला, सिगरेट चाहिए? मेरे पास सिर्फ गोल्ड फ्लैग ही है। अरे दे दो ना सर, उसकी आखिरी इच्छा है। डीएसपी जब से आया है रात दिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ले मर मर। सर सर मान क्यों रहा है? ए रुको रुको रुको, ए उतरो उतरो। सर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर सर इनका बिल देख के पेट की जगह दिल का दौरा पड़ेगा। मेरा प्रमोशन मिलने के बजाय डिमोशन हो जाएगा। वाह एसपी जी मेरे लिए वेट कर रहे हैं। रुक 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 रुक, तेरे चिल्लाने से मुझे अटैक आ जाएगा। ये हॉस्पिटल तक नहीं आएगा लग रहा है, रास्ते में शमशान है, वहाँ फेंक दे क्या? अरे सर क्या कर रहे हैं सर, प्लीज। अरे तू चल ना, चला के। सर 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अरे क्या हुआ, स्टॉप 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 क्यों बोल रहा है? दर्द बढ़ गया क्या? मेरे दर्द की दवा यहीं पे मिलेगी सर। यहाँ पर मिलेगी? ये है, ये है तेरी दवाई। हेलो हेलो सर, सर आ रहा हूँ सर। ओके बाय सर। मुझे बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने, बताता हूँ। वन स्वीट कॉर्न सूप। ओके सर। विल ऑर्डर सूप। सूप ठीक है। हेलो, टू चिकन कॉर्न सूप। ओके मैडम। एंड वेज बर्गर वन। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी, या यूज मी। आप नीचे खड़े हो जाएंगे, मुझे स्टूल चाहिए। थैंक यू। ठीक ना? अबे पागल, देख नहीं रहा है बॉयफ्रेंड के साथ आई है? मुझे सिर्फ यही चाहिए। अरे अरे मेरी जोड़ी। अच्छा ओके बाय। ओके बाय। वो गरीब तो फ्रेंड निकला। ए, वो लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है। वही तो मेरा प्रॉब्लम है भाई। तू और तेरा लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता यारो। लड़की अपना बॉयफ्रेंड ना शाहरुख या सलमान की तरह रखती है। उनके ना दिमाग में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। वही अगर लड़की का बॉयफ्रेंड हुआ तो इट्स क्लियर, अगर उस बॉयफ्रेंड से कोई बेटर हुआ तो फिर लड़कियां उससे पटती है। बाप रे, इसकी चॉइस तो देखो, अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो जरूर पट जाएगी। वही तो है लड़कियों का वीकनेस। सुनिए भुजी, हमारी तरह डिफरेंट सोच वालों को कोई पसंद करता होगा क्या? हमारी तरह? हाँ। क्या पता, शायद ही होगा। हेलो। तो फिर इसे, एक्सक्यूज मी, इस फोटो वाले स्मार्ट लड़के को कहीं देखा है? यू रास्कल। ओह, ये क्या कर रहे हो? तुमने ही तो रास्कल कहा ना। यू इडियट। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ठोक दिया रे।
शहर में इतनी लड़कियां देखी यार, लेकिन ये मेरे दिल को टच कर गई। एक्सक्यूज मी, इस फोटो वाले स्मार्ट लड़के को देखा क्या? इसे नहीं देखा। वही तो सर, क्यों देखेंगे? वही अगर लड़की आंटी की फोटो होती तो पलट के देखते। पहले ये बताओ, इस लड़के को देखा है क्या? आहा, तेरा लॉजिक तो जबरदस्त है। तो फिर इस फोटो वाले व्यक्ति को कहीं देखा है? हेलो पुनाती सीनू, हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 नए चेहरे चाहिए थे ना, परफेक्ट वो चेहरे मिल चुके हैं मुझे। कंग्रेचुलेशंस, तुम बस जल्दी से शूटिंग अरेंज करो, उनके साथ मैं एग्रीमेंट करने ही जा रहा हूँ। ओके, एडवांस की रकम, ये रहा कैश, और ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। इस एड से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, समझो अभी से बदल गई, तुम लोग स्टार बन गए। सुबह स्टूडियो में आकर मुझसे। वैसे एड कौन सा करने वाले हैं? ओहो, मतलब कॉस्ट्यूम के बारे में पूछ रहे? हमारे एड में कॉस्ट्यूम की जरूरत ही नहीं है। अंडरवियर का एड है क्या सर? बिल्कुल नहीं, एक रोग का एड है। एक रोग का एड है? अरे भाई, पाइल्स का एड है। इसे क्या हो गया? क्यों रे, यहाँ क्यों बैठा है? क्या हुआ? आज कॉलेज नहीं गया क्या? कॉलेज जाने से बेहतर तो मेरा जेल ही जाना बेहतर है भाई। वहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, वो तो पहले से ही फुल चल रहा है। मैटर क्या है बोल? अब क्या बोलूँ मैं, घर वाले रैंक के बारे में पूछते हैं और कॉलेज वाले होम स्टडी के बारे में, सबने जीना मुश्किल कर दिया भाई। ये घर के सब लोग अपने लिए रोज 8 घंटे वर्किंग आवर्स रखते हैं और हमें 18 घंटे पढ़ाई करने को बोलते हैं सब लोग। इस कॉलेज और पेरेंट्स के बीच में हम जैसे लोग फंसे हुए हैं भाई। दुखी मत हो नंदू। ये बड़े लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। बगल वाले रैंक का स्टूडेंट हमारे घर में पैदा नहीं हुआ इसीलिए रोते हैं। इसीलिए तो भाई उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालना बहुत जरूरी है, उससे दिमाग शांत हो जाता है। पर कैसे? हम लेट हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कह रहा। गुड मॉर्निंग सर। आप ऑफिस में नए हो क्या? हाँ सर। सर ये 2 दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया सर। तुम रिलैक्स कैसे होते हो? काम से सर। झूठ मत बोलो। सॉरी सर, कॉफी डे में बैठ के आने जाने वाली लड़कियों को देखते हुए गाना सुनता हूँ तो बहुत अच्छा फील करता हूँ सर। हाँ? टेक अ ब्रेक एंड एंजॉय सर। काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, काम को एंजॉय करोगे तो जिंदगी मिलेगी। ट्राई करके देखो ना। वेल, ऑल क्रिएटिव हेड्स कम टू माय रूम। हेड का काम करने से बहुत हेडेक हो रहा है सर। देखो मिस्टर, ये जो सिरदर्द है ना, वो हमारे कंपाउंड से कोसों दूर होना चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा सोच कर दिमाग को मथ कर सिरदर्द हासिल कर लोगे तो जो हम अमृतांजन का एड बनाने वाले हैं ना, उसे हमें ही यूज करना पड़ेगा। सही कहा ना? अमृतांजन जो माँ के जैसे ठंडक देता है, अमृतांजन जो पापा के जैसे दर्द दूर करता है, अमृतांजन जो माँ बाप के साथ नींद के जैसे। 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, काम को हम एंजॉय कर रहे हैं ऐसा फील करो, क्रिएटिविटी खुद ब खुद आ जाएगी। कुछ ज्यादा ही बोल गया ना, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, रिलैक्स। ए, जॉब ऑफ कुछ नहीं जानता, ओनली एंजॉयमेंट, ओके ना? अरे सुनना, अगर हम लोग खुद ही जॉब छोड़कर आएंगे तो कैसा रहेगा, और इसके डैड की बात भी रह जाएगी। ए, यहाँ रिकमेंडेशन हो तो कुत्तों के लिए भी रेड कार्पेट बिछाते हैं, है कि नहीं भाई? जाएगा तो जॉब मिल जाएगा। अरे जॉब हासिल करने से ज्यादा उसे छोड़ने में मजा आता है, समझा? चल चलते हैं दोस्त। ठीक है यार, चलते हैं। चल चले क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे बॉस है क्या? Yes. Okay. Excuse me. Good morning. Very good morning. तुम कौन? Son of Subramanyam from Kakinada. तुम हमारे सुभी के बेटे हो क्या? Right, यार, इतना respect देने की जरूरत नहीं।
अपना बायोडेटा लेकर आए हो क्या? डैडी ने दिया नहीं। तुम्हारे बायोडेटा को डैडी क्यों देंगे? तो फिर मेरी नौकरी के लिए वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे पास? शादी के लिए एक्सपीरियंस पूछते नहीं, लेकिन जॉब के लिए पूछते हैं। ओके, वैसे सैलरी कितनी है? मेरे दोस्त के बेटे हो इसलिए 1,00,000 दूंगा। 1,00,000 देना है तो डैडी को दो, अगर 2,00,000 दोगे तो मैं सोचूंगा। तुम्हें मैनर्स नहीं पता? घंटा मैनर्स, मेरे बाप ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यस सर। टेक हिम आउट, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंक दो जल्दी। थैंक यू थैंक यू। सॉरी भैया, लेट हो गया। अरे यहाँ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, ये तो दारू पार्टी है, किसी के साथ भी पी सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। वैसे भी तुझे घर की इतनी सारी टेंशन्स है, चिल कर यार, एंजॉय कर। ए, तुझे देखकर लगता है कि हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं। हाँ यार, आंखें बंद करके गले से उतार दे। नहीं नहीं, मुझे आदत नहीं है भाई। क्या नहीं नहीं, अरे मर्द की उम्र शुरू होने से पहले उसे चीयर्स करना चाहिए। चल चीयर्स कर। दुश्मन को दोस्ती में और दोस्त को गहरी दोस्ती में बदलने वाला महान चरित्र है दारू का। हाँ भाई, इतना महान चरित्र है इसीलिए तो हम भी सम्मान दे रहे हैं, तुम भी सम्मान दो। मुझे सच में आदत नहीं है। अरे फर्स्ट टाइम इसके सामने बैठने वाला हर एक व्यक्ति यही बोलता है। एक बार पीने के बाद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तू इसे छोड़ नहीं सकेगा। चल पी। नहीं पी रे। नहीं भैया। अरे पीना, डैडी को पता चलेगी तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सीक्रेटली पीने की जरूरत नहीं, पी ले भाई। भाई नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, पी ले। कैसा लगा? पहला पैक तो अजीब सा लग रहा था, दूसरा पैक थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी एकदम अच्छा लग रहा है भैया। ऐसा ही होता है। मैंने बोला था ना ये पी के मजा आने वाला है। मेरे अंदर भी इसके लिए सम्मान बढ़ रहा है भैया, थोड़ी सी और दो ना प्लीज। नहीं है बेटा। नहीं दारू का सम्मान करेंगे तो जमाना हमें सम्मान देगा। है कहाँ है वहाँ पे? नहीं है घर यहाँ पे। रुको रुको, पानी जला उधर देंगे। ना एकदम सही जगह। ए पत्थर किसने फेंका बे? नंदू तू यहाँ? आधी रात को पी के लफड़ा कर रहे हो, दोस्तों के साथ पीते हो और घर के ऊपर पत्थर फेंकते हो। पत्थर मैंने फेंका, इन लोगों को क्यों डांट रहे हो? जाओ अंदर। ए जा रे। ये तो मैं दिखाता हूँ। ए, कौन हो तुम लोग? मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या? मैं सुहागरात के लिए जा रहा हूँ और तुम लोग? कौन है ये? हमारी जिंदगी से ज्यादा सुहागरात को इम्पोर्टेंट बता रहा है। सुहागरात कैसे मनाएगा मैं भी देखता हूँ। ए, कहीं ये तेरी वाली का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ये वो नहीं है, उसे मैं देख लूंगा। मास्टर जी, माचिस है क्या? सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। सिगरेट की आदत नहीं है? सिगरेट तो क्या, मैं दारू भी नहीं पीता हूँ। दारू की आदत नहीं है? आई एम अ कॉम्प्लेंट बॉय। इसको तो किसी चीज की आदत नहीं है भैया, आदमी दिखता तो है लेकिन है नहीं। सुहागरात में क्या करेगा? कोई भी आदत नहीं है तो तू सुहागरात कैसे मनाएगा? सुहागरात मनाने के लिए मर्द के अंदर दम चाहिए। ये है मोगरे के फूल, कितने फिल्मों में देखा है तुमने। ए छोड़ो, तेरी इस फूल में खुशबू बहुत ज्यादा है लेकिन रॉकेट में दम नहीं है। रॉकेट में दम नहीं है? क्यों दम नहीं है रॉकेट में? इसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भाई तुम्हारी एज कितनी है? 42, आई एम स्टिल वर्जिन। अरे बाप रे, ऐसे क्यों शौक खा रहे हो तुम लोग? वो सब तो शादी के बाद ही होता है ना। अरे बाप रे। मास्टर जी, कैरिज की उम्र में मैरिज कर रहे हो यार तुम तो। गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो इसमें जंग लग जाती है। अरे बाप रे। उसी तरह रॉकेट में पेट्रोल नहीं भरा तो पेट्रोल नहीं भरा तो क्या होता है जी? जाने दे यार। सुनिए मेरी बात, अब मेरी सुहागरात आपको ही करवानी होगी। हाँ
भाई अपनी सुहागरात हम पे छोड़ दे, बस तू दो घूट पी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या, पर ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? बच्चों के बारे में बड़ों को पूछो और ऐसे काम के लिए हमसे पूछो। अरे नेक काम में देरी क्यों भैया, जल्दी चालू करो ना। अरे लो अरे बापरे मेरी सुहागरात का क्या हुआ? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आप सबका यहाँ स्वागत है, सुस्वागत है। कम ऑन लेट्स रॉक। हम तो भूल ही गए थे कि हंसी क्या चीज है। आपकी वजह से आज कितने दिनों बाद हंसे। आपकी ये फिलॉसफी मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं ना, उनमें से सिर्फ इंसान ही हंस सकता है। वैसे तो हंसना आता है, पर उसे भूल कर जीने वाला भी इंसान ही है। 60-70 की उम्र पार करने के बाद हम एक बार पीछे मुड़ कर देखते हैं तो जिम्मेदारी, समस्या, हम जैसों के पास भी ऐसी लाइफ है ये दिखाया तुमने। बुढ़ापा एक श्राप है, ये सोचने वाले हम जैसे लोगों को बुढ़ापे में भी जिंदगी होती है ये दिखा दी है तुमने बेटा। जीते जी हमें भी कभी ऐसा दिन देखने को मिलेगा हमने कभी भी नहीं सोचा था, हम आज बहुत खुश हैं। हाँ, ऊपर वाले ने हमें लंबी जिंदगी दी है खुशहाल रहने के लिए, पर हम दुखी रहकर हर दिन जीते जी मर रहे हैं। एक दिन भी अगर हम खुशी से जी ले तो इंसान की जिंदगी 10 मिनट के लिए बढ़ जाती है, लोगों का ऐसा कहना है। यानी खुशी संजीवनी की तरह है। 20 साल की उम्र वाले को जिम्मेदारी नहीं पता, 80 साल वाले को एंजॉयमेंट नहीं पता, वो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। Come on, forget the age and enjoy. Forget the age and enjoy. वाह 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 वाह, क्या हैंडसम लग रहा हूँ मैं। हाँ। इसके बगल में अनुष्का अच्छी लगेगी कि कटरीना? अभी मैं तुझे बताता हूँ उसकी तो। ये बकरा आ रहा है, इससे पटाते हैं। अरे अच्छा जाते तू संभाल। ओके हेलो, ए क्यों रे, पैसे कैसे हटते हैं ये तुम्हारे भाई को आता ही नहीं। अरे मुझसे सीख लेना। वैसे भी एक बात याद रख, फ्री में पैसे नहीं आते हैं, उसके लिए किसी का खून भी करना पड़ सकता है, समझा क्या? तेरे भाई को तो मैं सिखाऊंगा। तीन लाख? वाह, आज तो मेरी किस्मत मेरे पास चल कर आई है रे। मैं आ रहा हूँ। रुक रहा, मैं आ रहा हूँ, जाना मत के। पहचान लिया? पहचान लिया। हाँ। एक बार दारू पीता हूँ पर मुझे होश रहता है। तू मुझे पता, तू तो ये अब मैं तुझे पकड़ता हूँ। पहले मैंने देखा। अरे पहले इसे हमने पकड़ा है, तो फिर मैंने क्या मिस किया? मेरी टाइमिंग मिस हुई। टाइमिंग ही तो मिस हुआ है, तो फिर अब क्या होगा? पर पहले तो मैंने देखा ना इसे। देखो ब्रदर, वीरप्पन को बहुत लोगों ने देखा पर पकड़ने वाले को ही क्रेडिट मिला, तो क्रेडिट हमारा है और रिवॉर्ड भी हमारा है। नो, क्रेडिट भी मुझे चाहिए, रिवॉर्ड भी मुझे ही चाहिए। वो है कौन बे, पकड़ा हमने तो हमें मिलेगा, तुझे कैसे मिलेगा? देखने वाला मैं हूँ। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सेटलमेंट करोगे? सेटलमेंट मतलब 1 लाख हो गए, मतलब 50-50 तो क्यों ठीक है ना? हाँ ठीक है,
ओके 50-50 वन लाख डील ओके ऑटो ये भाई पुलिस स्टेशन आ गया उतरो अरे चल ना चल रुक जा ये ले किराया 500 का नोट है अरे चेंज नहीं है चिल्लर रख ले चल वो मेरे पैसे है तेरे पैसे ही है तो 3 लाख आ गए ए वैसे मुझे तुझको लेके जाना चाहिए लेकर चल रहे हो मुझे यार ये क्या तो मंदिर में नहीं पुलिस स्टेशन में आए हो अरे पुलिस स्टेशन में ही मुझे पैसे मिलेंगे मतलब पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा चलो ये एसी है नॉन एसी ये पुलिस स्टेशन है रेलवे स्टेशन नहीं है पुलिस स्टेशन हाँ भागने की बजाय तू आगे आगे क्यों जा रहा तुझे डाउट चाहिए या पैसे मैंने उन्हें 1 लाख दिए मुझे पैसे ही चाहिए चल फिर ये मुझे कहना तो चाहिए तो बोला था मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ठीक है चल बैठ के बात करते हैं कांस्टेबल तुम्हारे एसआई के लिए एक बीपी टैबलेट लेके आओ ए बैठ नमस्ते एसआई सर अरे वाह तू यहाँ यही है सब रेडी करो दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा सर बीपी टैबलेट वाटर जरूरत नहीं मिल गया वे तो मिला नहीं मैंने पकड़ लिया पकड़ लिया क्या हाँ क्या पकड़ा बे तू है कौन तू कौन है ऐसे ही है ना डीजीपी कमिश्नर को बोला प्रेस मीटिंग रखना टीवी वाले चैनल वाले सबको बोला क्यों रे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुझे मैं बाद में देखता हूँ ए 101 पहले उसे अंदर डाल डोंट टच मी जब तक पैसे नहीं दोगे हाथ नहीं लगाना पैसे कैसे पैसे रे अरे अच्छा नाटक है ये तुझे पता है ये मुझे पता है 3 लाख हड़पने की सोच रहा है क्या पुलिस के दिमाग है निकल 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 चल पैसे निकल भैया जाने दीजिए ना स्टेशन पे नहीं होगा तो अच्छा दूसरे पे देखेंगे तो रुकना फिर से बोलता हूँ पैसे निकल Hey, 104, 105. Yes, इतने लोगों को क्यों बुला रहे हो तीन मिलके 3 लाख देंगे क्या देंगे तो सर को एक बार अंदर लेकर चलो अरेंजमेंट अंदर है क्या वाह आप सुपर हो सर सत्य न्याय धर्म अगर ये 3 शेर होते हैं ना जो शेर दिखता नहीं है वो आप हो सर आई लव यू सर आप सच्चे आदमी हो सर मेरी सच्चाई अभी कहाँ देखी है तूने अंदर चल दिखाता हूं। अंदर दिखाओगे क्या ए, मेरे आने तक तू कहीं जाना मत अभी आता चल चलो, 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 चलो ए, अरे यहाँ पर दोगे क्या सर की खातिरदारी अच्छे से करो चलो ये कहाँ गया ए, 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 ए। आप जल्दी करो लाओ 3 लाख मेरे सर कम से कम घर जाने के लिए चिल्लर तो दे दो क्यों रे अंदर नोट दिया क्या ए 106 सर सर को थोड़ा चिल्लर देके भेजो ठीक है सर सर मुझे ना चिल्लर चाहिए ना नोट चाहिए कुछ नहीं चाहिए ए 107 चल चल हे भाई जल्दी से ऑर्डर दे आज भुजी की पार्टी है आई ऑर्डर कर दे अच्छा लग रहा है आज वो भी मान लिया फ्रेंड के साथ नहीं आई लगता है ये क्या है ये हाय अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बना क्या नहीं है हेलो 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 बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रहे थे बॉयफ्रेंड होता तो ट्राई करता ना सॉरी जी नेक्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड के साथ आना इस बटले का तो अलग ही लॉजिक है देखती हूँ इसे एक्सक्यूज मी वन सेकंड लगता है ये बॉयफ्रेंड के साथ आई है हाय यू आर सो ब्यूटीफुल यू आर टू स्मार्ट इन दोनों का लव देख के तो ऐसा लग रहा है आज बुज्जी का काम हो ही जाएगा स्कार्फ में आप इतनी खूबसूरत हैं तो हटाने के बाद कितनी खूबसूरत लगेंगी बगैर देखे तुम्हें कैसे पता चला पागल हो क्या ऑडियो सुन के ही पता चलता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप स्कार्फ वाली के पास जाने से हमने मना किया था ना इसको स्कार्फ हटाऊंगी तो चक्कर तो नहीं आएगा ये ब्यूटीफुल स्माइल के साथ साथ ये स्वीट वॉइस तुम्हारा फेस देखे बिना मैं रह नहीं पा रहा प्लीज दिखा दो एक बार प्लीज ठीक है फिर देखो ब्यूटीफुल आईज व्हाट अ नोज व्हाट अ अरे मेरा बेटा मर जाता था उधर कार से उधर कार से सॉरी क्या ड्राइव कर रही थी क्या ऊपर से इंग्लिश बोल रही है समझती क्या खुद को
रोड पे चलने वालों को क्या ठोक देगी? बच्चा है ये भी नहीं देखेगी क्या? ऐसे रोड पे इतनी स्पीड से ड्राइव करते छोटे बच्चे को टक्कर मारती हो? ऐसे चलाते हैं क्या गाड़ी? दिखाई नहीं देता क्या भाई? इन पैसे वालों की आंखें सर पर होती है और गाड़ी हम पर। एक कार गई तो दूसरी कार आ जाएगी, लेकिन एक बच्चा गया तो दूसरा बच्चा कहाँ से आएगा? जानबूझ के नहीं, इसे तो मैं दिखाता हूँ। बच्चे को टक्कर मारती है। निकलो निकलो यहाँ से, पुलिस के हवाले कर दो। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, जाओ मैं देख लूंगा, जाओ। सब शांत क्यों हो गए? ओ हाँ हाँ, हम गरीबों के पास दिल होता है, पहली बार इसलिए छोड़ रहे हैं, आइंदा छोड़ेंगे नहीं। इतनी मेहनत से बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को मत मारना, है कि नहीं भैया? मेरी बीवी के साथ बच्चा मैंने पैदा किया और तू इसे क्या इशारे कर रहा था? क्या हमने देखा नहीं कि तूने क्या कहा है? चुप कर इडियट। आज तक मैंने सिर्फ उसे खिलाया है, आज किसी भी तरह उससे बात कर लूंगी। थैंक्स सिंगू, करेक्ट टाइम पे आके मुझे बचा लिया। इट्स ओके। ये लो 2000 रुपए, रख लो ना। लिफ्ट दिया तब तक ठीक था, ये पैसे किस बात के? जब देखो तब तुम इसी शर्ट में नजर आते हो, इसलिए। ओ, आपको ऐसा लगा क्या? हे, वो सब साइड में रखो। अगर आप सोच रही हैं कि मैं हमेशा एक ही शर्ट में क्यों रहता हूँ, मतलब आपने मुझ पर काफी फोकस किया है, इसीलिए तो मैंने लिफ्ट दी है। तो फिर मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। रुको रुको, यहाँ पे लेफ्ट में। हुँ? लेफ्ट लेफ्ट। हाँ बस यहीं पर, यहीं पर रुकिए। प्लीज एक बार उतरोगी क्या? यहाँ शमशान में? ए, मेरे लिए? पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आओ मैं बताता हूँ। इस समाधि में रहने वाले हर एक इंसान की कोई ना कोई लव स्टोरी होती है। अब उनकी लव स्टोरी के बारे में जान के मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ए, क्यों इतना डर रही हो? कभी ना कभी तो सभी को यहाँ पर आना है। ओह प्लीज, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? जाने वाले सभी अच्छे होते हैं, जाने से पहले इन्होंने ही कहा था, इसलिए इन अच्छे लोगों की आत्मा को साक्षी मानकर, हम जहाँ खड़े हैं उस जमीन को साक्षी मानकर, इस आकाश को साक्षी मानकर, और वो अग्नि को साक्षी मानकर, इस हवा को साक्षी मानकर, और उसी तरह पानी को साक्षी मानकर, आई लव यू डियर। नंदू लास्ट ईयर तक रैंक वाला स्टूडेंट था और इस साल वो लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ड्रिंक करता है और कॉलेज आता है, टीचर्स को वार्निंग दे रहा है। एक रैंक वाले स्टूडेंट का ऐसा बिगड़ना बहुत बुरी बात है। सेंड नंदू टू माय ऑफिस। ओके सर। स्टडी में ग्रेड्स कम होते हैं तो वजह टीचर्स होते हैं, पर अगर लाइफ में डिग्रेड हो गए तो पिकअप करने के लिए कोई नहीं होता सर। नमस्ते सर। क्या हुआ, कंप्लेंट दे रहे हैं क्या? उसके साथ साथ टीसी भी दीजिए, लेकिन जो भी दीजिए मुझे दीजिए, मैं बच्चा नहीं रहा अब। ए नंदो, देख लिया आपने हालात? I'm very sorry सर। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? Shut up नंदो, चल यू इडियट, अंदर चल। बेवकूफ कहीं का नाम खराब कर दिया तूने। कहाँ से सिखा ये सब? बोल कहाँ से सिखा ये सारी गंदी हरकत? करेगा ये? नाम खराब कर रहा हमारा। 4 दिन में बेटी की शादी है और ये अब क्या कर रहे हैं? तुम अंदर जाओ। मारो मत उसे। गो प्लीज पापा। आई सेड गो। चलो बेटी। अय्याशी करेगा तू? हाँ अय्याशी करेगा। पापा। आई किल यू। इडियट, अकल है क्या तुम में? जान से मार डालोगे मुझे? तुझसे तो अच्छे फ्रेंड्स हैं। छी, ऐसे भी बाप होते हैं। यस। वाह क्या टाइमिंग है तेरी, पता नहीं तू आजकल कॉलेज जाता है या नहीं, पर चीयर्स के टाइम पे तू बराबर आ जाता है। ए, इसका भी एक पैक बना दे। मूड नहीं है भैया। अरे क्या हुआ यार? दुनिया में जितने भी बाप है ना भैया, बहुत ही गलत बिहेव करते हैं। प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है इन्हें। उन लोगों को बाहर के कुत्ते में और घर के बेटे में फर्क ही नहीं पता होता है। बेल्ट से कोई मारता है अपने बेटे को, इसलिए उन सबको छोड़ के आ गया भैया। अब मैं भी आप लोगों की तरह रहूंगा। वेरी गुड, राइट डिसीजन लिया। हाँ यार। कौन है, तेरा बाप है क्या? हाँ भैया। ला मुझे फोन दे। ये लो। नंदू आई एम वेरी सॉरी, एक बार तो घर आ जाओ। नंदू नहीं आएगा। देखो बेटा समझने की कोशिश करो, मेरी उससे एक बार बात करवा दो। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे फोन दे दो प्लीज। बाप होके अपने बेटे की फीलिंग्स नहीं समझते, तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं, फोन रखो। देखो बेटा ऐसी बातें मत करो, हम अपने बेटे के लिए ही जी रहे हैं। इधर दे बे,
एक बार नंदू को फोन दे दो प्लीज। क्यों? बाप सिर्फ पाठ पढ़ाता है लेकिन फ्रेंड्स लोग जान देते हैं। आप में हमें बहुत फर्क है सर। रो रो, जोर से रो। तुम जैसे पिता के साथ यही होना चाहिए। अरे नंदू, अब से तुझे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार घर आ जा प्लीज बेटा, घर लौट आओ। नंदू, तेरा बाप बहुत सेंटी होके तुझे समझा रहा है, तू बैंड मत होना। प्लीज एक बार आ जाओ। बचपन से तुम मुझे मार ही तो रहे हो ना, मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है आपको, और आज भी मारा ही है। मैं कभी नहीं मारूंगा, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, वापस आ जाओ। मुझे अपनी लाइफ जीने दो पापा। मेरी बात मान लो बेटा प्लीज। तुम्हें छोड़कर मैं खुश रहूंगा पापा, इतना टॉर्चर सहन ही नहीं होता पापा। आज से ना तुम मेरे बाप हो ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ। फोन रखो अब। चलो बाहर चल के दम मार के आते हैं। चलो चलो। ये नंदू, तू घर जाबे। पर भैया आप लोग तो साथ रहने की। अरे चिल मार रहे, वो लोग बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। चल जा भैया, तू घर जा, ये तो उधर रहता है। चलो चलते हैं यार। ए, ये देखा क्या? क्या है ये? वीजा है यार, इसी के लिए लाखों लोग क्यू में लगे रहते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड के लिए भी लाखों लोग क्यू में हैं। ए सुन, वीजा वीजा कुछ नहीं जानता, ओनली एंजॉयमेंट। अरे तुम लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, तुम लोगों के साथ जो एंजॉयमेंट है वो फॉरेन में थोड़ी मिलेगा मुझे। इसलिए ये वीजा वीजा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये हुई ना बात, अपनी मूंछ की तरह ये भी फिर से आ जाएगा। ए, तेरा बाप यहाँ पे घूम रहा है देख। ए, डैड तो यही है, मुझे देख लिया तो क्लास लग जाएगी। यहाँ से निकलते हैं यार, वरना वीजा के बारे में पूछेंगे। अरे वो तो चले गए। हाय, हाउ सिनू, यही है हमारा घर। अरे वाह, घर तो बड़ा मस्त है। तुम सब खूबसूरत लड़कियाँ ऐसे बड़े घर में ही पैदा होती हो क्या? क्यों, मस्का लगा रहे हो क्या? ए, सच में तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इस घर से ज्यादा सुंदर हो। रियली? आओ ना। क्या बात है, तुम्हारा घर कोई शॉपिंग मॉल से कम नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड गांव में रहते हैं क्या? ओह, आई एम सॉरी। बचपन से अंकल ने ही मुझे संभाला है सीनू, अब तक मैंने कुछ नहीं मांगा। फर्स्ट टाइम तुम्हें मांग रही हूँ मैं। ऐसा है कि मेरे होने वाला पति अंकल से भी अच्छे से मेरी देखभाल करे, ऐसी उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा तुम पूरी करोगे। मतलब तुम्हारे अंकल हमारी शादी के लिए राजी हो गए? हाँ सीनू, अपनी शादी के बाद हमारी कंपनी की एमडी सीट पर तुम ही तो बैठोगे। सीनू, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। ओ। उसी दिन अपनी शादी के बारे में हम सबको बता देंगे, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना। ओनली फॉर कपल्स। ओए कपल्स क्या, हम ट्रिपल्स हैं। बॉस तो ये पाला। सॉरी बॉस, हम गे हैं, हमें लड़कियां नहीं चाहिए। फिर भी नॉट अलाउड। रूल इज रूल बॉस, विदाउट लेडीज नॉट अलाउड। क्या रूल्स पे? बाहर बाइक पे लड़कियों को घुमाना गलत बात है। सिनेमा में या घूमने लेकर गए तो गलत है? ऐसे में लड़कियों के साथ पब में आना गलत नहीं क्या? ए, ये लोग यहाँ झगड़ा करने आए हैं। चल पीछे हट, चल जा। अरे एक मिनट एक मिनट। अरे तुम लोग यहाँ पर, आप भूल गए क्या वो एड? अरे हाँ, इसे कहो हमें कोई एड में ले ले। हाँ सॉरी सर, एक्चुअली बड़े बड़े डायरेक्टर्स हमारे साथ फिल्म करने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं, पता है सर। नेक्स्ट टाइम कोई एड होगा तो बताइएगा, हम रेडी हैं सर। अच्छा है, इस पब में तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया। एंजॉयमेंट तुम लोग लाइक करते हो ना, चलो लेट्स एंजॉय। आते हैं क्या? अरे नहीं, गुरुवार और शनिवार को मंदिर में जाता हूँ मैं। अच्छा, आपके अंदर भक्ति भी है? ये भक्ति नहीं है, गुरुवार और शनिवार को मंदिर कलरफुल होता है ना, कवर करने जाता हूँ। ये अपने से ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो चल चल।
वेलकम वेलकम, आ जाइए भाई लोग। वाह 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 वाह, तुम्हारा घर तो पब की तरह यार। हाँ, पर दरअसल घर पे नहीं होता ना, इसीलिए पब में जाता हूँ। आइए बैठिए बैठिए। हाँ यार सीनू, सडनली पब में बुलाया, मैटर क्या है? अच्छा वो क्या, कुछ नहीं यार। अरे वो हनी है ना, वो मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ गई है, और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि क्या बताऊं। मतलब हनी ने तुम्हें आई लव यू कह दिया क्या? आई लव यू क्या बे, वो तो शादी करूंगी बोल रही है। क्या बात है भाई, ग्रीटिंग कार्ड का खर्च किए बिना वेडिंग कार्ड तक पहुंचने का मतलब तुम बहुत लकी हो। अरे उतना ही नहीं, वो तो मुझे अपने कंपनी की एमडी की सीट पर बिठा रही है। एमडी सीट? एमडी सीट? एमडी सीट मतलब इनडायरेक्टली जॉब करने को कह रहे हैं, ये तो लड़कियों का काम है। ए, अपनी पॉलिसी भूल गया क्या? हमारी पॉलिसी के मुताबिक नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हो, नौकरी तो मर्दानगी की निशानी है। वो एक पुराने समय में होता था। बिल्कुल, अब ट्रेंड बदल गया है। अच्छे पैसे वाली लड़की को पटाओ, शादी करो और ससुराल वाले के पैसे पे एंजॉय करो। जैसे दामाद ससुराल से दहेज पाकर खुश होता है, वैसे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। ए सीनू, लव अब तो ठीक है यार, पर ये जॉब अब अपने समझ में तो नहीं आता। ये क्या है, फ्रेंडशिप का मतलब डेली मिलना होता है, जॉब होगा तो वीकेंड में मिलेंगे। अपने को ये नहीं जानता है भाई, नहीं। तो सही बोल रहा है, अपन तो ऐसे रहेंगे। यस यस ये। हाय कैया, मैं हुस्न की जलेबी। हाय कैया, ये इश्क है फरेबी। हाय कैया, मैं तो हूँ एक पहेली। हाय कैया, दिल वालों की सहेली। फोन कर मुझे कभी भी, फोन कर मुझे फेसबुक पे कभी भी, चैट कर मुझे। सुन लो जरा बात मेरी छोकरो, पीछे मेरे तुम जैसे सैकड़ों हो। ना बीते अकेले मेरी शाम रे, अभी ले आज होठों का ये जाम रे। आग है लगी दिल में, आग है लगी, प्यास है जगी, कैसी प्यास है जगी। क्या ये? तेरा नाम संगीता है और माय नेम इज शीला पे नाच रही है, ऐसे गंदे ठुमके लगाती है। तू अपने आप को करीना कपूर समझती है या फिर कैटरीना कैफ? वो ठुमके लगाती है ना तो पूरी इंडिया झूमती है, और तुझ जैसी मोटी का कोई अगर डांस देखेगा ना तो जीते जी मर जाएगा, समझी तू? और मुझे इम्प्रेस करने के लिए जानती है तेरे पास एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय। ए, तुम कौन? मैं रिश्ते में तुम्हारा भैया लगता हूँ। ए, क्या बोल रहा है तू? अभी डाउट क्लियर करता हूँ। सपोज करो दिस गर्ल बिलोंग्स टू मी, ये मैं बोर्ड पर लिख कर इसके गले में डाल दूँ तो ये क्या होगी, मेरी लवर? और क्या, और तुम क्या होगे मेरे? अबे तुझे जान से मार दूंगा मैं, मेरी ही गर्लफ्रेंड के सामने तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। मुझ पे हाथ उठाया क्या? कम ऑन बॉयज। ए, क्या कर रहा है? चल भिजा तू, मत बोल। राजेश, रामू, अब भाई, अब भाई, शशि, क्या बे डेढ़ फुटिए तेरी तो कैट कैट शॉट ओके था। शॉट ओके मतलब बैकअप हो गया? एक और शॉट ले ले क्या? पीछे जा, डायरेक्टर मैं हूँ, मैंने ओके कहा ना। भाई ने ओके कहा ना तो अब मैं ये कहता हूँ कि क्लोज रिएक्शन ले लेते, एडिटिंग में काम आएगा, है ना? ये सही कहा। मेरी बात सुन। हाँ भाई। देख यहाँ टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, कट लेते हैं यहाँ से। अरे क्या चल रहा था यहाँ पे? अरे सुनो एक मिनट, अगर ऐसे चले जाओगे तो कैसे चलेगा? चैनल है ना, तुम लोगों से जैसा कहूँगा वैसा करोगे तो ही अच्छा लगेगा ना। आबरा का डाबरा, 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 आबरा का डाबरा। सबक सिखा के रहूंगा। चलो आ जाओ। हेलो बेटा। हाँ पापा। आज मैं जॉब से रिटायर हो रहा हूँ। वो कांग्रेट्स पापा। ए, ये क्या मेरा बर्थडे है जो कांग्रेट्स बोल रहा है? तुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ? ए, मैंने इतनी मेहनत से मेरे बचपन के दोस्त को मना के तुझे नौकरी दिलाने के लिए सोचा था, और तूने क्या किया? बताइए क्या किया? एक तो तूने मिसबिहेव किया और बोला कि तुझे नौकरी पसंद नहीं है। ए बेटा, तेरी कमाई से हम कुछ लेने वाले नहीं है। ए बेटा,
यार। अरे यार बुज्जी का फादर आज रिटायर हो गया, पार्टी करते हैं, क्या कहता है? ठीक है बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो। हाय रवि। हाय हनी। जरा फोन सीनू को दोगे? हाँ वन सेकंड देता हूँ उसे। ए सीनू। क्या है? हनी का फोन है यार। हनी है? हाँ। हेलो हनी, आज मेरा बर्थडे है, याद है ना? अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आज हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, याद है ना? शाम की पार्टी में अपने फ्रेंड्स को लाना मत भूलना, ठीक है? डेफिनेटली। बाय। क्या यार, पार्टी में जाने के बजाय यहाँ पर वेट कर रहे हैं। भाई की वजह से पार्टी का मूड चला गया। अरे वो देखो आ गए। हाय भाई। हेलो भाइयों, सॉरी आने में देर हो गई। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से सीरियस क्यों हो? मुझे बकरा बनाने के लिए नया प्लान बना रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप लेट आए हो ना, इसलिए मुंह लटकाए खड़े हैं। ऐसी बात है क्या? ओहो, तो तुम उस मूड में हो। कुछ भी हो जाए, हमसे बेटर तुम ही हो। तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा मूड, किसी भी एंगल से देखा जाए तो हमसे बेटर तुम ही हो। हर एंगल से स्मार्ट तो आप ही हो भाई। वैसे मुझ में एक और एंगल है जिसे तुम नहीं जानते। और एक एंगल, वो क्या है भाई? जल्दबाजी क्या है, स्लोली स्लोली पता चलेगा। मैं जानता हूँ कि ये अपना आखिरी एंजॉयमेंट है। अरे भाई, अगर ये एक बार पार्टी में जाएगा और वहाँ पे सीनू जब तक एमडी नहीं बनेगा शादी नहीं करूँगी इस तरह से अनाउंसमेंट किया, तब क्या होगा? हम नहीं मानेंगे, ये पार्टी कैंसिल। नो, जब एक बार हमने पार्टी फिक्स कर ली तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी होनी ही चाहिए, वो चाहे वहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या फिर कहीं पर भी हो। देखो लड़के लड़कियों को कितना प्यार करते हैं ये मायने नहीं रखता, उनके लिए मेहनत कितनी करते हैं ये मायने रखता है, और उसे ही वो ज्यादा पसंद करती हैं। पर हनी उस किस्म की नहीं है। अगर पार्टी में हनी ने हमारे भाई ने जैसा कहा वैसी कंडीशन तुम पे लगाई तो तुम्हें कंपलसरी एमडी सीट पर बैठना पड़ेगा, इसलिए नो हनी नो पार्टी। हनी ऐसा कंडीशन नहीं लगाएगी। अगर लगाई तो बोलाना नहीं लगाएगी। ओके ओके ओके, उनका सोचना ये है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए एक ने वीसा फाड़ दी और दूसरे ने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो फिर उनके फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें हनी को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये है उनका डाउट। हे, हमसे ज्यादा हनी इम्पोर्टेंट हो गई है। हनी इम्पोर्टेंट है, पर हनी के कारण ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आएगी तो नहीं आएगी, अगर आ गई तो मैं कह रहा हूँ ना नहीं आएगी। देख रहे हो, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ये उस लड़की को छोड़ देगा ऐसा नहीं कह रहा। हमारी फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट की वो। हाँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हेलो, तेरे फोन की तो, अरे मेरा फोन फेंक दे, तेरी तो। तुम दोनों की वजह से मैंने अपना फॉरेन जाने का वीजा फाड़ दिया, अच्छा खासा चला जाता। इसके साथ मुझे भी जोड़ रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी, लाखों रुपए के तंगा तेरे लिए छोड़ो मैंने। तंगा तंगा रो रहा है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कल की आई हुई छोकरी के लिए ये हमारी सालों की फ्रेंडशिप बर्बाद कर रहा है, ना जाने कितने लोगों के साथ घूमी होगी। मेरे तजुर्बे के सामने तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्या होगा, यही है मेरा दूसरा एंगल। जिस तरह दारू सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक उसी तरह मैं भी हूँ, दारू से कहीं ज्यादा डेंजर। चीयर्स, रिलैक्स। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी, खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की, और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दूरी बनाए रखें, धन्यवाद।
ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया होगा तब वो इतना हैप्पी फील नहीं किए होंगे। महाभारत में शकुनी, रामायण में मंथरा और इस कहानी में मैंने इन सब को अलग कर दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने स्टोरी का जो प्लॉट तैयार किया है उसमें ये पूरी लाइफ में नहीं मिलने वाले। यार सीनू, इतने सालों हम साथ रहे, बेवजह मारा मारी करके हम जुदा हो गए। सॉरी यार, उस दिन तुम लोगों पे गुस्सा करके चला गया, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस दिन की नाराजगी तेरी गलत नहीं थी यार, लवर की बात थी, पर रवि हमें छोड़कर चला गया। हाँ यार, मेरी ही गलती है, जब तुम लोगों से दूर गया तो पता चला तुम्हारी अहमियत क्या है। हमेशा पास रहने वाला ही फ्रेंड नहीं होता है, दुख में या खुशी में जो हमेशा साथ रहे वो होता है फ्रेंड। आई एम वेरी सॉरी यार। किसी को भी दोस्ती की अहमियत दोस्ती करके ही पता चलता है, हमें बिछड़ कर पता चला। बटले ने सही बोला। ये बटला अपने सेंटीमेंट से हमें पिघला रहा है। मैंने कहा था कि ये लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल गए। आपको आश्चर्य हो रहा है ना? द्रौपदी के चीर हरण के समय अगर कृष्णा रिएक्ट नहीं करते तो पांडव जैसे महावीर के बारे में दुनिया को पता चलता क्या? मेरा भी ऑलमोस्ट कृष्णा का ही कैरेक्टर है। कभी न कभी इन सब को मुझे ढूंढते आना ही होगा। जब आना चाहिए था तब तो तुम आए नहीं, और अब मैं जिंदा हूँ या नहीं ये देखने के लिए आए हो? सॉरी हनी, उस दिन मैं। प्लीज मुझे और नहीं सुनना, हंसाने वाले तुम मुझे इस तरह रुलाओगे मुझे नहीं पता था। आई लव यू का मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो ये सोचा था, पर प्यार तुम्हें निभाना नहीं आता। उस दिन तुमने शमशान में प्रपोज किया था, तब मुझे वो शमशान की तरह नहीं लगा, पर तुम्हारी वजह से आज ये घर मुझे शमशान की तरह लग रहा है। पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इस जन्म में दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। हनी, हनी प्लीज हनी। क्या हुआ यार, थोड़ा मुस्कुरा भी दे। सॉरी यार, मुझे अब मुस्कुराहट सूट नहीं होगी। जिंदगी में फेल होने वाला बेकार बनता है, लव में फेल होने वाला सन्यासी बनता है। ये तो ना घर का रहा ना घाट का। प्यार करेगा तो तुझे समझ आएगा कि प्यार क्या होता है। अरे आउटडेटेड बातें सुन सुन कर ना मैं बोर हो गया हूँ। मेरी एक बात सुन, तेरी लवर को तू लेकर आएगा तो भगा के लाना हुआ, पर अगर हम लेकर आएंगे तो अगवा करना हुआ। अब उसे भगा के लाना है या अगवा करना है ये तू डिसाइड कर। भागने के लिए या भगाने के लिए? अगर वहाँ गए तो मुंह पे दरवाजा बंद करेगी। अगर तू उससे इतना प्यार करता है तो उसके बर्थडे पे क्यों नहीं गया? मुझसे क्यों कह रहा है? उस दिन बुज्जी ने बर्थडे पार्टी में जाने से रोका मुझे। उस दिन भाई पार्टी देगा बोला तो ये खुद ही रुका था। हाँ यार, हाँ हम लोग पार्टी में जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, एक और पार्टी है ये क्यों बोला? अब भी समझ में आया, उसे पता था कि हम पार्टी में जा रहे हैं फिर भी हमारे अंदर डाउट क्रिएट किया, इसीलिए किया था उसने। ये क्या बोल रहा है तू? अब भी समझ में नहीं आया क्या? हमें धोखे में रख के हमारे बीच झगड़ा करवाया। उसकी प्लानिंग थी कि हम तीनों अलग हो जाएं। अभी वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा हमें पता है। चलो चलो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। चलो उतरो। किससे मिला आप लोगों को? रंगा राव जी। अच्छा आइए। हे, ये तो नंदू के फादर हैं। मम्मी पापा के पहचान वाले लोग आए हैं। आप कौन? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठिए ना आप लोग। बेटी कॉफी लाना। नहीं नहीं, नहीं आंटी रहने दीजिए। वो अंकल हार्ट अटैक आया उन्हें, फोन पर बात कर रहे थे और अचानक पता नहीं क्या हुआ। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। नंदू नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे फोन दे दो प्लीज। बाप होके अपने बेटे की फीलिंग्स नहीं समझते? तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं, फोन रखो। रो रो, जोर से रो। आज से ना तुम मेरे बाप हो ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आज के जमाने में दिल पर पत्थर रख के जीना पड़ता है बेटा। बेटा सेंसिटिव है ये मेरी गलतफहमी थी। इतने साल पति के साथ रहने के बाद भी मेरे पति इतने सेंसिटिव है कभी पता नहीं चला। आखिर में बेटी की शादी भी रुक गई। तो फिर अभी नंदू? पेरेंट्स नहीं फ्रेंड्स चाहिए ये कहकर चला गया वो। अभी कहाँ है ये भी नहीं पता।
गलती कर दी यार। ऊपर से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, अंदर से इतने सेंसिटिव होते हैं, मुझे मालूम नहीं था यार। दोस्तों, मैं आज तक अपने पेरेंट्स के प्यार को समझ ही नहीं पाया। उनकी बातें हमेशा मुझे बुरी लगी। ये कभी समझा ही नहीं कि सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए उन लोगों ने कितना दर्द सहा होगा। यार, सिगरेट से लेके दारू हर बुरी आदत के पीछे होते हैं पहले तो फ्रेंड्स ही ना। फ्रेंड फ्रेंड कह के हमने नंदू को बिगाड़ दिया यार। गलती हमने की है तो उसे सुधारेंगे भी हम ही, यही भाई का इंटेंशन है। जो परेशानी नंदू की फैमिली को हम लोगों की वजह से हुई, उसे अब हम तीनों ही सुधारेंगे। हाँ यार, जब हम अपनी गलती सुधारेंगे तभी भाई से मिलेंगे। दो वेज नूडल्स और एक चिकन चिकन। बार बोर्ड ने देखा क्या? हाँ? सब कोई 500-1000 रुपए का नोट ले गया तो मैं चिल्लर कहाँ से दूंगा? हेलो, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ ना, रुक नहीं सकते क्या? देखो, पसंद है तो लो वरना निकल लो। हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? क्या आदमी है? अरे क्या आदमी, मतलब बेवकूफ समझा है क्या? थोड़ी देर बाहर रुक नहीं सकते हो क्या? अरे चले आए, क्या देख रहा है? हेलो, सुनिए, पूरा बदन दर्द कर रहा है मेरा। दर्द हो रहा है? भैंस की तरह खाओगी तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? सुनिए, बच्ची आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्या कहा? बच्ची बात करना चाहती है? अकल नहीं है क्या? दुनिया में हम ही पति पत्नी है क्या? हमारे पास ही बच्चे हैं। डैडी डैडी करके सर खा जाती है। रख फोन। कस्टमर की कोई इज्जत नहीं है क्या? है ना, तुम हमारे भगवान हो, 3 वक्त का खाना देते हो मुझे। ए, काम नहीं करता है, हंस क्या रहा है बे? काम के टाइम पे काम क्या कर? ये महीने जब तुझे तनख्वाह नहीं दूंगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। हेलो, लैपटॉप भूल गए हो? मैंने ऐसा जानबूझ कर किया। जानबूझ के छोड़ दिए क्या? और उस दिन गोकुल चाट में उसके बाद लुम्बिनी पार्क में ये भी इसी तरह से थोड़ी देर में फट जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 5 मिनट में फट जाएगा क्या? वैसे तो मैंने टाइम सेट कर दिया है, पर इसके मूड पे भी डिपेंड करता है, फट सकता है। सर, मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी सर। ऐसा इंसान जो इंसान को इंसान न समझे, उसे जीने का कोई हक नहीं है। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, आपको जितना चाहिए उतना दूंगा। अब कोई फायदा नहीं है दोस्त, तुम्हें तो जाना ही होगा। सर सर, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, मुझे भी एक मौका दे दीजिए प्लीज सर। मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ, पर बॉम्ब के पास सेंटिमेंट नहीं होता। अब तक 3 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, ट्राई कर लो। हेलो, लक्ष्मी कैसी हो? खाना खा लिया क्या? आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छा, मेरी बेटी को एक बार फोन दो। डैडी से बात करो। मेरी बच्ची, मेरा सोना। डैडी, दूध पी लिया क्या? पी लिया डैडी। कुछ खाया बेटा? खा लिया डैडी। मेरी लाडली, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से खेलना, माँ जैसा कहती है वैसा सुनना, जो भी चाहिए माँ से मांग लेना। I love you, Daddy. मेरी बेटी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है। बेटी, एक बार मम्मी को फोन दो। हेलो लक्ष्मी, तुम और गुड़िया अच्छे से रहना। मैंने इतना डांटा फिर भी कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, इनके लिए जीने का मन कर रहा है सर। आप मुझे छोड़ रहे हैं सर? अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही सर। सर, आपकी वजह से किससे कैसे बात करना है पता चला, पत्नी और बेटी की अहमियत पता चली। पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हें खुद टेंशन लेकर दूसरे को टेंशन नहीं देना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करो और सबको खुश रखो। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक मिनट रुकते हैं। माँ, नंदू को हमसे मिला दो ना। चलो। Thank you.
ए, क्या कर रहा है? दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया तू? छूना मत, कहाँ चले जाते हैं? टपोरी कहीं के घर जाकर नहाना पड़ेगा, गंदा कर दिया इसने। ए, नंदू कहीं क्या दिखा वो मिला क्या? मुझे तो नहीं दिखा। दिखा यार, क्या हुआ? तुझे मिला क्या? नहीं यार। अरे तेरे भाई को तो अभी मैं थाई मारने पर बताता हूँ। एक भाई साहब, आपने इसे देखा है क्या? इसे कहीं भी नहीं देखा मैंने। अब बात क्या बता? कौन है ये? इसे कितने में बेच रहा है? यार यकीन मानो, ये सच में खो गया भाई। ए, तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। मुझे उल्लू बना दो तुम लोग। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ। पुलिस ने 3rd degree ट्रीट किया। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। छोड़ दे, हमें कहीं जाना है। चल यार। आइसपॉट्स एक्सचेंज। अरे भैया, टिकट चाहिए, टिकट। अरे जल्दी करो, जल्दी दो, हमको भी चाहिए। कितनी लंबी लाइन है? एक एक कर गया। ठंड से नीचे के हिस्से का एनकाउंटर हो रहा है और इसने यहाँ पर काउंटर खोल कर रखा है। 3 लाख की उम्मीद की थी, 1 लाख ऐड लेना मेरे से। 3 लाख आने तक ब्लैक में टिकट बेचो। यहाँ पर रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, आने दो रे। ए, ऐसे क्या देखता है रे? कभी आइस पर बैठा नहीं है क्या? सर, ओ, सर, क्या है सर? मैं इधर हूँ। यहाँ बैठने में कंफर्टेबल नहीं है। एक चेयर मिल जाता तो अच्छा ओ, होता। यहाँ पे तुमको चेयर चाहिए? कंफर्टेबल नहीं है तो आवाज लगाओ, काम करने वाला पास। ओए, अरे, ओए, ओरे, सर को यह कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। आइस के ऊपर कांच डाल दे, अच्छा लगेगा। सर, आइस ही ठीक है, चलेगा सर। ठीक है ना? ठीक है ना? तो चुपचाप बैठे रहो। तुझे क्या, मैं हीरो लग रहा हूँ क्या? चल जाए यहाँ से। अबे हम कस्टमर हैं, टिकट लेकर आए हैं, चुपचाप बैठ। अरे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, जब वो फोटो खींच रहे हो तो थोड़ा स्माइल कर दो ना। भाई, रॉन्ग प्लेस में आइस रख के हंसने को कहोगे तो कहाँ से हंसेंगे? ऊपर से स्माइल करने को कह, नीचे से नहीं। स्माइल ही चाहिए। हाँ सही बोला, ये एक परफेक्ट स्माइल में। ए, इसका फोटो निकाल। ए, टिकट के दाम बढ़ा। घर के पास नहीं, कॉलेज में भी नहीं है। जब नंदू हमारे रूम से निकला होगा तो आखिर किधर गया होगा? कहाँ ढूंढे उसे? यहीं पे ढूंढते हैं। उत्तर ये क्या? क्यों बे, शौक लगा क्या? पुराने पेपर बेचने वाला नए पेपर की तरह कैसे चमक रहा है ये देख रहे हो क्या? ए, छोटा मोटा सामान बेचने वाले रामोजी राव, घर घर में पेपर देने वाले अब्दुल कलाम जी, ये सब मेहनत से ऊपर आए यही सोच रहे हो क्या? नहीं बे, पर उन्होंने ये जान लिया कि मेहनत करने से ही सुख मिलता है, इसलिए वो ऊपर आए। ए, पर तुम लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हो और उस मजाक को तुम लोगों ने लाइफ समझ लिया है। जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहोगे बे, चीप फेलोस। हेलो सर। इन लोगों को क्यों डांट रहे? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सर, नंदू की कोई गलती नहीं है सर। गलती पूरी हमारी है सर। दया करके शादी के लिए मना मत कीजिए। तब पत्थर फेंक के अब मस्का लगाने आए हो? उनकी फैमिली चाहे जैसी भी हो, सर, 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 बीच में तुम लोग क्यों पड़ते हो? गेट आउट। सर सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। ओके, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तुम लोगों के आंसू देख के नहीं, तुम तीनों के कमिटमेंट देख के। अच्छा है सर। माँ, माँ। कौन? माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? गुड न्यूज, बहन से शादी करने के लिए पंकज जी मान गए हैं। तुम सच कह रहे हो बेटा? क्यों रो रही हो बेटा?
बताओ तो क्या हुआ, बोलो बेटा। सॉरी मम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पापा चले गए और नंदू भी हमें छोड़ के चला गया। ऐसे में मैं शादी करके आपको अकेले नहीं छोड़ के जा सकती मम्मी। आपकी माँ कभी अकेली नहीं होंगी, हम लोग हैं ना। नंदू चाहे कहीं भी हो, हम लोग लेकर आएंगे। बेटा, हमारे लिए इतना रिस्क क्यों? मैं तुम्हें रिश्तों के बंधन में बांधना नहीं चाहती। ये बंधन नहीं है माँ, जिम्मेदारी है। ये हम आपको समझा नहीं पाएंगे। हाँ माँ, आप शादी की तैयारियाँ कीजिए, नंदू को हम लेकर आते हैं। चलो। हर जगह ढूंढ लिया यार, नंदू का कहीं आता पता नहीं है। अब क्या होगा यार? हाँ यार, वही सोच रहा हूँ। भाई भाई, 10 रुपए दो ना भाई, प्लीज भाई भाई, 10 रुपए दो ना भाई, 10 रुपए दो ना भाई, 10 रुपए भूख लगी, 10 रुपए दो ना। ये तो नंदू की आवाज है। नंदू, ये कहाँ जा रहा है? नंदू, 10 रुपए दो ना भाई, क्या हाल बना लिया, क्या हो गया तुझे? भूख लगी है भाई, मुझे पहचाना नहीं, कुछ खाया नहीं। ये अपना नंदू है यार। नंदू, क्या हो गया तुझे? नंदू, क्या हाल बना लिया तुझे? नंदू, नंदू मैं बुज्जी हूँ, ये रवि, मुझे पहचान, मैं रवि। हाँ, ये सीनू है, ये बुज्जी। हाँ, अपना नंदू लगी, मैं बुज्जी भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अरे नंदू, नंदू तू हमें पहचान, नंदू तू चलो हमारे साथ। डॉक्टर, 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 प्लीज इसका चेकअप कर लीजिए, प्लीज, प्लीज। डॉक्टर, यस डॉक्टर, प्लीज टेक हिम। ओके डॉक्टर, चलिए। चलो चलो डॉक्टर, कुछ चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, इसके ट्रीटमेंट में कोई कमी मत रखिएगा। डोंट वरी, कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो सब पूरा करिए और मुझसे मिलिए, ठीक है? ओके डॉक्टर, डॉक्टर। हेलो सर, आप ही ने कॉल किया था ना? हाँ जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम्हारे आदर्श और सिद्धांत आखिर कब छोड़ोगे इन्हें? अब भुगतो, महीना भर पैर उठा नहीं सकते हो, ऐसी हालत हो गई है। तुमने एक मामूली चोर को बचाने के लिए इतना रिस्क लेकर अपना पैर तोड़वा लिया, फिर उसे पुलिस से बचाया और उसके बाद उसे इतना समझाया बुझाया, एक बात समझ में नहीं आई, उसे पश्चाताप हुआ, उसने पुलिस में सरेंडर भी किया, आखिर क्या कहा था उसे? कहा, अच्छे भले इंसान पैदा हुए हो तो मेहनत करके जीना सीखो। यही, तुम्हारे आदर्शों को सुनकर जिंदगी भर साथ रहने वाली तुम्हारी बीवी परेशान होकर बेचारी स्वर्ग सिधार गई, और तब भी अक्कल नहीं आई है तुझे, आखिर तुम कब सुधरोगे? इंसान को जीने के लिए जो टॉनिक चाहिए वो है अच्छाई और मानवता, मेरे लिए ये काफी। टॉनिक टाइटेनिक की क्या जरूरत है? देख यार, ये सब कुछ तू अब बंद कर दे प्लीज, तुम उससे अभी प्रॉमिस कर। नहीं करेगा तो फिर मर तू, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे क्या हुआ, तू ठीक है ना? संभल संभल कर, आराम से, बहुत दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ, तूने तो कहा था तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। तुझे देखे बिना मैं रह सकता हूँ क्या? सर, ओह सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कीजिए, खर्च की चिंता मत कीजिए। ओके सर, डोंट वरी, थैंक यू। इसके बॉयफ्रेंड को देखिए यार, ये किसी से भी 10 मिनट में पट जाएगी। ए, तुझे सेकंड लव क्यों चाहिए होता है? हैप्पीली फ्रेश ट्राई कर सकते हो ना। काहे का फ्रेश मेरे दोस्त, यहाँ पे प्यार में ना गिरने वाली एक भी लड़की दिखा दे। रूल है कि 25 साल शादी के लिए इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्यार करने के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए इंडिया में 8 बजे के बाद हर लड़की का फोन इंगेज आएगा। ये भी ना बिल्कुल पागल है। कुछ भी बोलता है। ये हमेशा रेस्टोरेंट में क्यों रहती है यार? ए, 1 मिनट, अभी आता हूँ, दिखाता हूँ इसे। हाय, मेरा भाई कहाँ है? मेरा मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड। एक लड़की के लिए तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो, ये देख के मुझे बहुत हंसी आती है। यहाँ पे जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद भी वो किसी भी लड़की को पटा सकता है, ऐसा सोचता है। अगर 90% लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों पे दया ना करके तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट ना करे, तो तुम लड़कों की हालत पागलों जैसी हो जाएगी। सच में तुम जैसे लड़के होने ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। अगर लड़कियाँ भी तुम्हारे साथ ऐसा करने लगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी, कभी सोचा है? माना कि इंडिया में लड़कियों की तादाद कम हो रही है, पर उनके कैरेक्टर में कोई भी कमी नहीं आ रही है।
और कैरेक्टर सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता है, लड़कों का भी कैरेक्टर होता है। सच में जैसा तुम सोचते हो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही होगा। ये पटाने से नहीं पटेगी, प्यार करने से पटेगी। पहली बार मुझे प्यार करने का मन कर रहा है। सुन यार, नंदू कैसा होगा पता नहीं, एक बार हॉस्पिटल जाके देख ही आते हैं। चल। हाँ यार। ए सीनू। कब आया भाई? यार तेरे पिताजी नहीं रहे। क्या? तुझसे ये बात कहने के लिए मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था यार। जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो भी घर में एक बार फोन करते हैं, और एक तू है कि ना महीने भर से घर जा रहा ना वहाँ एक बार भी फोन लगा रहा है। तू जानता है बाप के मरने के बाद जो काम बेटे को करने चाहिए वो सारे काम तेरी माँ ने किए हैं। पूरा गांव तुझ पे थूक रहा है बे, कम से कम अब तो जाके मिल ले अपनी माँ से। हे सीनू, मेरे पापा। चुप हो जा, खुद को संभाल यार। अब क्यों आया है? तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा है कि ना हो। छी, जमीर मर गया है तेरा। माँ, चला जा यहाँ से। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ प्लीज माँ, मुझसे गलती हो गई। तुझे पैदा करके मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो माँ। हर साल की तरह तू त्योहार पे आएगा ऐसी हमें आशा थी। राह देखते देखते तेरे पिता दुनिया छोड़कर चले गए। ये बता तू अब यहाँ किस लिए आया है? छी, ऐसे बेटे की माँ बनने से तो अच्छा होता कि मैं बांझ होती। ऐसा मत कहो माँ, प्लीज माँ, दरवाजा खोलो माँ। तूने खाना खाया कि नहीं ये जानने के लिए फोन करती थी, और तू झट से फोन रख देता था। हम दोनों हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते थे, लेकिन तुझे क्या पड़ी है? माँ प्लीज माँ, दरवाजा खोलो माँ। अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूँ तो यहाँ से चला जा, चला जा। सीनू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये सीनू, मेरी बात मान, कम से कम जूस तो पी ले। नहीं चाहिए यार। पी ले यार। कहा ना मुझे पसंद नहीं है। संगीता क्या हुआ है तुझे? बर्थडे आने वाला है ये कह के बड़ी खुश रहती थी तुम। सडनली क्या हुआ तुझे? मुझे पसंद नहीं है मम्मी। पर हुआ क्या ये तो बता। सीनू के पापा की मौत हो गई है, वो कितना दुखी है पता है? वैसे भी हैप्पी बर्थडे का मतलब सिर्फ अपना खुश रहना नहीं होता मम्मी, आपके आसपास के लोग भी खुश रहने चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना, मैंने हमेशा तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, यहां तक कि मैंने तुम पर हाथ तक उठा दिया, पर तुम दिल की कितनी अच्छी हो ये मुझे आज पता चला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ संगीता कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझसे प्यार करती है। रियली आई एम लकी फेलो, आई लव यू टू। इस बार तुम्हें जॉब मिस नहीं करनी है, ये लो। पता है तुझे मन चाहा जॉब मिल जाए इसलिए हम दोनों ने भगवान से प्रार्थना की है। अपने पिता को एक अच्छे बेटे की तरह जॉब पाके गिफ्ट दो। गुड मॉर्निंग सर। ओहो आप हैं क्या? जनाब यहाँ किस लिए पधारे? जॉब के लिए सर। वो तो आपके पिता को मिलेगी, आपने तकलीफ क्यों की? वैसे भी मुझे याद है आपने कहा था कि आपको शादी होने के बाद का एक्सपीरियंस है,
जॉब की एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। सॉरी सर, मुझे जीवन में सिर्फ एक ही शब्द से नफरत है, वो है सॉरी। मैं अभी बहुत बदल गया हूँ सर। तुम इस जन्म में बदलोगे नहीं और मैं तुम्हें जॉब दूंगा नहीं। प्लीज सर, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। जनाब, आपको जितनी सैलरी चाहिए, हमारी कंपनी उस स्टेज पर पहुँची ही नहीं। प्लीज सर, एक चांस सर। एक चांस देने के लिए ये कोई फिल्म कंपनी नहीं है। सिक्योरिटी, सॉरी सर, आउट, किक हिम आउट। सुनो, थोड़ा इडली दे दो। पाँच रुपया में कुछ नहीं मिलता भैया, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बहुत भूख लग रही है, ये पैसे लेके दो इडली दे दो भाई। बोला ना नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। हेलो, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अरे कौन है तू, बड़ा आया रिस्पेक्ट सिखाने वाला, चल जा यहाँ से। सुबह सुबह धंधा खराब कर रहा है मेरा। धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का नहीं दूं तो और क्या करूं तेरे साथ? डैडी, डैडी क्या हुआ? डैडी, डैडी आपको चोट तो नहीं आई? आप ठीक तो हैं? उठिए उठिए डैडी, डैडी डैडी आप ठीक तो है ना डैडी? देखे टाइम पे लफड़ा करता है। तो रवि, हाथ उठा रहे थी, हिम्मत कैसे हुई? चलता है कौन है? डैडी है। ए छोड़, तो ए छोड़, डैडी है वो। हाथ कैसे उठाया? दोबारा मत करना डैडी। डैडी चलिए डैडी घर चलते हैं। नहीं बेटा, आई एम सॉरी डैडी, प्लीज। घर चलिए डैडी। रवि, हाथ पकड़े बिना चल नहीं सकता तो? कांट यू स्टैंड विदाउट सपोर्ट? सॉरी डैडी। आइए डैडी, बैठ जाइए। रवि, इतने साल आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते रहे, लेकिन उस गुस्से के पीछे का प्यार मैं देख नहीं पाया डैडी। जब आप साथ थे तो मैंने आपकी अहमियत नहीं समझी, जब आप मुझसे दूर हुए तब मुझे आपकी इम्पोर्टेंस पता चली। इसमें आधी गलती मेरी है, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ये कभी तुम्हें सिखाया नहीं। डैडी, लाइफ को एंजॉय करने का मतलब बच्चों के साथ खुशी से रहना ये समझा था, पर अपने बच्चों को खुश रखना ये अभी समझ में आया। कुछ बातें हैं हमारी गलतियों का एहसास हमें दिलाती हैं। आपने कभी कोई गलती नहीं की डैडी, बल्कि मेरी हर गलती को आप नजरअंदाज करते रहे और मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। हाय, आज फादर्स डे के मौके पर हमारे प्रोग्राम की थीम भी है फादर्स डे स्पेशल। फादर्स डे के बारे में आम जनता का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज फादर्स डे के दिन आप क्या करने वाले हैं? क्या फादर्स डे है? फादर्स डे मतलब एक आश्चर्य है, फादर्स डे मतलब एक खुशी है, फादर्स डे मतलब एक अद्भुत है, फादर्स डे मतलब संतुष्टि है। मैडम, मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। दो मौसमी का जूस। एक्सक्यूज मी जी, बोलिए। फादर्स डे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? फादर्स डे ये क्या होता है? इन्हें तो फादर्स डे ही नहीं पता। चलो आप बताइए, फादर्स डे के बारे में आपका क्या कहना है? जन्म देने वाले पिता को साल में एक दिन समर्पित करने वाली संस्कृति हमें नहीं चाहिए। मातृदेव भव और पितृदेव भव का दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले हमारे इंडिया में ही जगह जगह में ओल्ड एज होम बना रहे, ये हमारी गलती है मैडम। मेरा बेटा डॉक्टर है, कलेक्टर है, ऐसा कहने वाले मैंने कई डैड देखे, लेकिन मैंने आज तक एक भी ऐसा बेटा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं अपने मॉम डैड को पलकों पे रखूंगा। बच्चों के लिए अपनी जायदाद बेचने वाले पेरेंट्स कितने हैं इस सिटी में, और वही बच्चे जायदाद के लिए पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के दिनों में पेरेंट्स बच्चों को पैदा कर रहे हैं, मतलब वो हमारी मानता नहीं है मैडम, उनकी मानता है। जैसे बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं, वैसे ही माँ बाप अगर बच्चों को छोड़ दें तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, डॉक्टर या कलेक्टर तो दूर, बच्चे चपरासी तक नहीं बन पाएंगे। एक समय था जब माता पिता ना होने पर बच्चे अनाथ होते थे, लेकिन अब बच्चों के दूर होने से माता पिता अनाथ हो रहे हैं। जो अपने बच्चों के घर लौटने का जिंदगी भर इंतजार करते हैं, उन्हें मरने के बाद भी अपने घर के बाहर लाश बन के अपने बच्चों का इंतजार करना पड़ता है मैडम, उनमें से एक पापी मैं भी हूँ। मेरे माता पिता को मैंने ही अनाथ कर दिया मैडम। चिता को आग लगाने के समय भी
मैंने अपने पिता को अनाथ छोड़ दिया। पापा, आप जब तक जिंदा थे मैंने आपके ही पैसों से ऐश किया है, और जब तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे तुम्हारे जाने की खबर भी नहीं हुई। माँ, मुझे सच में नहीं पता था माँ, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। किसी भी पिता को मेरे जैसा बच्चा कभी पैदा नहीं होना चाहिए। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें सुनकर किसी की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हम सब इनकी माँ से ये गुजारिश करते हैं कि वो इन्हें माफ कर दे। कैमरामैन विनय के साथ भवानी, टीवी 5। अपने पिता की नसीहत को तो तुमने गंवा दिया, अब उन्हें ही सिफारिश के लिए यहाँ लेकर आए हो। नहीं यार, वो नहीं आना चाहता था, मैं लेके आया हूँ। उसने जो कुछ भी किया है मैं माफी मांगता हूँ। अरे सुब्बू, मुझसे माफी मांग करके हमारी दोस्ती के रिश्ते को शर्मिंदा मत कर यार। बेटे की वजह से बाप का सिर ऊंचा उठना चाहिए, सिर झुकना नहीं चाहिए। ए, मानता हूँ कि उसने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मेरा बेटा बहुत समझदार है। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, आप जो नौकरी देंगे मेरे लिए वही बहुत होगा, प्लीज अंकल। इंसान जब कोई गलती करता है तो उसका एहसास और पश्चाताप ही उसकी सजा है। अभी तुम अपने बाप के साथ आए हो, मैं समझ चुका हूँ कि तुम में बदलाव आ चुका है बेटा। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर रेडी है, कल से ज्वाइन कर लो। थैंक्स अंकल, ऑल द बेस्ट। माँ आइए, क्या बात है बेटा? ये बताइए कौन सा हॉल बुक किया जाए, बाला रेडी गार्डन्स या फिर सवेरा फंक्शन हॉल, जो भी आप बताइए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अरे दुल्हन आ गई। क्या हुआ भैया, नंदू मिला क्या? उसे तुम्हारी शादी की मुहूर्त तक ले आएंगे। नंदू कहाँ है ये हमें पता चल गया। सच में आ जाएगा ना वो? हम पे भरोसा करिए माँ, नंदू शादी में जरूर आएगा। हे भगवान, मेरा बेटा वापस आएगा, कितना अच्छा होगा। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। अच्छी खुशखबरी सुनाए बेटा। इस बारे में पंकज को बताते हैं। मैं बताऊंगी भैया। वहाँ तक कहानी गई है क्या? माँ होने के नाते मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे पर मैं कभी खुशी नहीं ला पाई। आप लोगों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ का उपकार बेटों को चुकाना चाहिए, ना कि बेटों का उपकार माँ को। ये हमारी फैमिली है, मेरी बहन की शादी है और हम तीनों भाई उसे करवा रहे हैं। मंडप में फूल कम होंगे तो बाराती क्या सोचेंगे। जाइए जल्दी माला लगाइए। हाँ ठीक है डॉक्टर। हॉस्पिटल से फोन है क्या? हाँ, नंदू को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सीक्रेट ही रखना, हम जाकर ले आएंगे। अरे जल्दी चलो, क्या कर रही हो? हाँ हाय। बाप रे, तुम कौन है जी? अरे रुको रुको रुको, बस करो बस करो बस करो, पकड़ से। क्या बताऊं मैं इसके बारे में, ये आदमी शादी से पहले ही सीधा सुहागरात मनाता है। हमारी सुहागरात तो ठीक से नहीं हुई, दूसरों की फिक्र बहुत कर रहे हो। कुछ भी बोलती है, चलो। बहुत अच्छी सजावट है ना? सिर्फ सजावट दिखता है। सर ये एड्रेस कहाँ है? अरे सर ये एड्रेस तो बताओ। बता, ये बोला। अरे बताना है, एड्रेस बताना। सॉफ्ट ड्रिंक है कि हार्ड है? अरे बाप रे, ये तो बहुत हार्ड है, सॉफ्ट है मैडम। तू जितना बोल रहा है उतना सॉफ्ट नहीं है तू। तुम्हारी वाइफ है क्या? तुम्हें उठा के लेके जाने के लिए करेक्ट है? डाउट नहीं है, तू मुझे मारना चाहता था ना? तेरी तो। अरे कहाँ जा रहे हैं जी? अरे सॉरी सॉरी। हाँ फूल लेके आया। रुको, तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं? पर तुम लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो ये बताओ। मैं दोनों की तरफ से हूँ। दोनों की तरफ से। रुको, ये वही था, भाग कर आ, रुक जा। अरे यार क्या यार सिनू, यहाँ जो भी आए हैं सभी लोग हम तीनों को पहले से पहचानते हैं यार। हाँ यार, इसीलिए तो सबसे छुप रहा हूँ। यहाँ सब हमें पहचानने वाले हैं। ठीक है चल चल बेटा। हाँ? वो कह रही है मैं शादी के लिए रेडी नहीं होंगी। रेडी नहीं होगी? हाँ। आप लोग जल्दी चलिए। चलिए देखते हैं। हाँ। मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है और ये तैयार नहीं हुई है, हम लोग क्या करेंगे? नंदू के बिना मैं ये शादी नहीं करूँगी भैया। अरे हम लोगों ने कहा था ना, नंदू तुम्हारी शादी तक आ जाएगा। नंदू भी आएगा और शादी भी होगी। हाँ वो हम पे छोड़ दो, हम खुद उसे लेकर आएंगे। ए, चलो। अरे, 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 नंदू कहाँ गया? नहीं पता सर। क्या
डॉक्टर पेशेंट पेशेंट मिस्टर नंदू सॉरी सर वी हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड हिम चला गया वो डिस्चार्ज कर दिया आपसे डिस्चार्ज करने को किसने कहा सर वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू अ पेशेंट हु डज नॉट वांट टू स्टे समझिए ही इज परफेक्टली ऑल राइट डोंट वरी ओके अब क्या करेंगे सीनियर अब क्या करें मुझे अब क्या होगा यार उसकी बहन तो शादी नहीं करेगी चल देखते हैं हाँ देखते हैं चल कुछ समझ में नहीं आ रहा यार अब हम लोग क्या करेंगे उसे कैसे मुंह दिखाएंगे वही तो समझ में नहीं आ रहा है रुक कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ए सीनू ये लो इसे पंडित जी को हाँ जोड़ी हमारी तरह ही है कहाँ थे तुम लोग तुम लोगों का कितना इंतजार किया हमने आंटी नंदू मैं जानती हूँ बेटा तुम लोग मेरे नंदू को लेकर आए हो नंदू नंदू आपने मुझे मेरे नंदू से मिलवाया आप लोगों का ये उपकार कैसे चुकाऊंगी आप लोग नहीं होते तो ये नहीं हो पाता नहीं कहूंगा एक बार घर आ जा प्लीज बेटा नंदू मेरा बाप बहुत सेंटी होके तुझे समझा रहा है तू बैंड मत होना ना तू मेरे बाप हो ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ लोगों ने बहुत मेहनत की है बेटा आज अगर हमारा परिवार खुश है तो इन लोगों की वजह से निकल जाओ यहाँ से चुपचाप चले जाओ मैंने बताया था ना वही है अच्छा? अरे नंदू क्या हुआ है तुम्हें दोस्तों से ऐसे बात करते हैं क्या पता है माँ तेरे बिगड़ने में पापा के मरने में सबका ही हाथ है हाँ जी ये तीनों मिलके मुझे मारना चाहते थे अरे तुझे तो सिर्फ मारा है मुझे तो इन तीनों ने जलील किया क्या रहे हो मारो इन्हें मारो 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 इन्हें मारो छोड़ो मत ऐसे सबके साथ ऐसे ही करते हैं छोड़ना मत मारो और मारो हटिया छोड़ डालो इन्हें मारो इन्हें मार डालो भाई साहब ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे समाज के दुश्मन है ये मार डालो इन्हें और एक बात याद रखिए किसी एक बिन लादेन या कसाब को मारने से आतंकवाद खत्म होता है क्या परिस्थितियां अब हाथ से निकल चुकी हैं इन लोगों को मारने से कोई फायदा नहीं है व्यवस्था बदलनी होगी जब एक बेटी पिता के साथ बैठी हो और वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती हो तो ये बाप के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है जब सगे भाई बहन एक दूसरे के साथ चलते हैं तो कहीं समाज उन्हें लवर्स ना समझ ले इसीलिए वो चार कदम आगे पीछे चलते हैं ऐसी परिस्थितियां हैं आज कंप्यूटर के सामने बैठकर क्लिक करके जब सेक्स वेबसाइट को देखते हैं उस समय संस्कार कहां चले जाते हैं इनके असली विलन्स तो इनके पेरेंट्स हैं 12 बजे उठकर ब्रश करने का पॉप कल्चर है आजकल कहां जा रही है आजकल की जनरेशन हर किसी को चाहिए एंजॉयमेंट 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 वीकेंड आते ही शहर की लड़कियां शॉर्ट्स पहनकर दारू पी के डांस करने को एंजॉयमेंट कहती हैं। ट्रैफिक सिग्नल को जंप करके फटाक से आगे बढ़ने को आजकल एंजॉयमेंट कहा जाता है आधी रात को इमरजेंसी नंबर पर फोन करके मेरा मूड ठीक नहीं है मुझे साथ में कोई चाहिए ये है इनका एंजॉयमेंट 100 को फोन करके वहां पर बॉम्ब लगाया है यहां पर बॉम्ब लगाया है ये धमकी भी एंजॉयमेंट है क्या सच है और क्या गलत है ये पता नहीं होने पर ऐसे में परेशान होता है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सिटी के पार्क्स और पब्स इनके एंजॉयमेंट के गवाह हैं और इनकी ऐसी हरकतों से इनके माँ बाप पर क्या गुजरती है ये सबको पता है ये आपने बिल्कुल सही कहा सर इस वक्त यूथ रास्ता भटक चुका है कहाँ काम करते हैं आप मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर आपको पता है कई सॉफ्टवेयर कंपनीज के टॉयलेट्स कई बार कॉन्डोम से चोक हुए हैं ये सब करने वाले लोग कौन है वही है जिन्हें एंजॉयमेंट चाहिए और इस एंजॉयमेंट को शह देकर पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं हमें माफ कर दीजिए सर इतने सालों से हम ये सोचते रहे कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं हमारे कारण पेरेंट्स दुखी होंगे सोसाइटी खराब होगी ये हमने नहीं सोचा था
कोई भी पेरेंट अपने बच्चों में बुरे संस्कार कभी नहीं चाहता। उन्हें तुम सबको छूट देकर बुराइयों पर जाने से कभी खुशी नहीं मिल सकती। हाँ अंकल, यही पता नहीं था, इनकी बातों में आकर मैंने अपना पिता खो दिया। यही तो बदकिस्मती है, यहाँ पर पाठ से ज्यादा लोग लात से इंस्पायर होते हैं, इसीलिए तुम्हें कुएं का मेढक कहा जाता है। जाने दीजिए, इनकी गलती का इन्हें एहसास हो चुका है। ये शादी होने की वजह भी यही लोग हैं। अब मेरे कहने से आप इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ सर, हमारी शादी करवाने वाले यही लोग हैं। हनी, व्हाट इज दिस हनी? दिखाई नहीं दे रहा क्या है? प्लीज सासू माँ। माँ, बच्चों की सारी गलतियाँ माँ ही तो माफ करती है ना। चाहे कितनी भी तकलीफें आए पर संभालने वाला प्यार ही होता है। है चार दिन की जिंदगानी, रोज है नई कहानी, खुशी खुशी सब जी लो यारा। ले लो और कह दो वंस मोर, जलसा रोज कर लो यारा। मन में जो भरा कह दो तुम जरा, मन की जलन कर दो खत्म, लग जा गले से आ। जहां है बेवफा कब हो ये दफा, कुछ है पता ना हमको तुमको, जाएगी कब जा 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 जा। यार है तो संसार है, यार ही तो परिवार है, यार ही तो दिलदार है, दिलदार। यार है तो संसार है, यार ही तो परिवार है, यार ही तो दिलदार है, दिलदार। कॉलेज के दिन जरा याद करो, कैंटीन की मस्ती याद करो, करो करो भाई करो। फिल्मों की जैसे फाइट भी थी, अपनी तो हस्ती टाइट भी थी, टाइट थी भाई टाइट। क्लासरूम में क्या जलवे थे, रहते थे कितनी शान से, इजहार मैं कैसे करूं, कैसे करूं मैं लव शुरू। है चार दिन की जिंदगानी, रोज है नई कहानी, खुशी खुशी सब जी लो यारा।